आइए आज खास मुलाकात में फिल्म सिटी के कोरोना वायरस लॉकडाउन में क्या हालात हैं, फिल्म सिटी में जो काम चलते थे आज किस तरह काम किए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, फिल्म सिटी की बात करें तो हमेशा फिल्म सिटी में काम चलता है, बड़ी संख्या में लोग वहां जमा होते हैं डांस के माध्यम से या अपनी कला के माध्यम से। आज कोरोना लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ा है और किस तरह काम चल रहा है? जी, पूरी इंडस्ट्री इस समय से एक तरह से देखा जाए तो ठप है, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश में जो सरकार ने गाइडलाइंस लागू की है उसके आधार पर 33% लगभग 30-40% फिल्म सिटी इस समय एक्टिव है। और चाहे वो मुंबई के सेट हो, चाहे मुंबई से सटे थाने में, वसई विरार में या मीरा भिंदर के जो सेट हो, वहां पर जो भी सीरियल्स है उनके कास्टिंग्स और उनके प्रोग्राम्स, उनके शूटिंग चालू है। लेकिन हर जगहों पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और हमारे यूनियन के माध्यम से वहां पर जो मजदूर हैं उनके इंश्योरेंस किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, उन्हें हाइजीनिक फूड प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और सरकार द्वारा निश्चय किया गया है कि सारे सेटों पर एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर की टीम और एक नर्स हो जो डेड वन लोगों के टेम्परेचर ले, उनके पल्स की जांच करें, और स्वाइन फ्लू जो टेस्ट होता है उससे भी लोगों की जांच की जा रही है। और साथ ही साथ सारे स्टूडियो में फिल्म सिटी के जितने भी सेट है, चाहे वो टीवी सीरियल का सेट हो चाहे मूवी का सेट हो, वहां पर जो शौचालय की व्यवस्था है, उनको रहने की व्यवस्था है। आज ट्रेवलिंग के लिए आदमी को हमने फिल्म सिटी के स्टूडियो के मालिकों से बात की है कि उनको प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए, क्योंकि आने वाले दौर में ऐसा है कि जो पहला केस मिला वो एक सब टीवी का चैनल है भाकरवाड़ी सेट पे एक टेलर था जिसका नाम अब्दुल था, पहला से उसे मिला। और वो केस ऐसा होगा कि उन लोगों ने उसे चोरी से उसके घर भेज दिया और 7 दिन बाद उसकी वहां डेथ हो जाती है। तो उसके परिवार को भी हमारे संस्था के माध्यम से हमने न्याय दिलाया और हक दिलाया, और काफी लोगों को हमने महाराष्ट्र से उनके घर भेजे जब फिल्म सिटी के सारे शूटिंग्स बंद थे। लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, और अभी भी जो हाइजेनिक फूड्स उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इन सारों चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको जो पेमेंट कट किया जा रहा है, उनके जो सैलरी का इशू है उस पर भी हमारी यूनियन कंटिन्यू काम कर रही है। महाराष्ट्र के आदरणीय मंत्री अमित देशमुख जी से, राजेश टोपे जी से, और खुद महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी के नेतृत्व में, सारे मंत्रियों से हमारी डे वन डे टू डे चर्चाएं चल रही है कि किस तरह से उन्हें उनका हक दिलाया जाए। और जो महाराष्ट्र की फिल्म सिटी की जो डायरेक्टर हैं वर्मा मैडम, उनसे भी हमने मुलाकात की कि किस तरह से शूटिंग के अंदर जो चीजों का पालन नहीं हो रहा उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, ना तो शूटिंग बंद करवाइए लेकिन जो मजदूर का हक है उसे मिलना चाहिए। जो जैसे कि आपने बात कही कि वर्कर्स होते हैं, बड़ी संख्या में जुड़े होते हैं सिनी वर्कर्स होते हैं, और आप महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, ऐसे में जो दिहाड़ी पर भी कई लोग काम करते हैं, उन लोगों के क्या हालात हैं, वो जुड़े हुए हैं या आज उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिक्कतें तो हुई हैं, पूरे देश में दिक्कतें हुई हैं, लेकिन जिस यूनिट में लगभग 100 लोग काम करते थे, आज सोशल डिस्टेंस को देखते हुए और सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए उन जगहों पर 40-45 लोगों से काम किया जा रहा है। तो बेशक उसका असर तो लोगों पर पड़ा है, लेकिन जो लोग हैं उन्हें जो उनकी सैलरी है या जो पर डे के हिसाब से आते हैं, तो उनको जो चीजें प्रोवाइड करानी है, जो वहां पे हेड ओपी है, जो वहां पे डीओपी है, जो वहां पे हेड ऑफ प्रोडक्शन है, उनसे डे वन हमारी बातें होती हैं और जिसको भी जो हक है उनको हम प्रॉपर तरीके से उसको दिलाते हैं। तो खास मुलाकात में आज हम फिल्मी दुनिया की बातें कर रहे हैं संदीप पांडे जी के साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि फिल्म सिटी में कई लोग काम करते हैं, जैसे कि नियुक्ति होती है जिले को लेकर या तालुके को लेकर, हाल ही में आपने 2 जिले मुंबई या मीरा रोड की बात करें, तो बदलाव क्या है, क्या बदलाव है और किस तरह उम्मीदें हैं उनसे? देखिए, हाल ही में हमने मीरा भिंदर और उसी के आगे पालघर जिले में वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत में हमने 2 अध्यक्षों की नियुक्ति की है, मीरा भिंदर से श्री रेहान शेख जी को और वसई विरार से श्री अजय कटोरिया जी को हमने जिला अध्यक्ष बनाया है। इन दोनों के अंदर में 12-13 स्टूडियो आते हैं, जिसके अंदर समझिए एक स्टूडियो के अंदर 4-4, 5-5 सीरियल के सेट है। वहां पर हमारे लगभग 5,500-7,000 वर्करों की यूनियन है, जिनको उनकी देखरेख में हम नया जिम्मेदारी और काम सौंप रहे हैं कि किस तरह से उनको उनका जो हक है वो किस तरह से दिलाया जाएगा,
और वहां पर जो है मजदूर हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा कि लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस वाले लोगों को अपने यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, तो उनकी बराबर वहां देखभाल हो रही है कि नहीं, कि खाने पीने की सुविधा हो रही है कि नहीं, कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनकी जांच हो रही है कि नहीं, ये दोनों जिला अध्यक्षों के माध्यम से हमारी भी नजर उन पर रहेगी और ये काम करते रहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि सिमी वर्कर्स जो होते हैं उनके पेमेंट को लेकर काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, तो ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर आप किस तरह काम करते हैं? देखिए अभी यूनियन तो ऐसा है कि जहां भी यूनियन की बात आ जाती है वहां लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारी जो कांग्रेस की यूनियन है ये सुनील दत्त जी के नेतृत्व में तब से काम कर रही है, और आप पूरे फिल्म सिटी में अगर हमारे यूनियन के बारे में पता करेंगे तो आज इतने लोग हमसे इसीलिए जुड़ गए क्योंकि हम उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो चाहे पेमेंट की बात हो, चाहे उनके पीएफ की बात हो, चाहे उनके इंश्योरेंस की बात हो, हमारा यूनियन डायरेक्ट वहां के प्रोडक्शन वालों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और उनसे हम पहले ही बात करते हैं कि भाई ये गरीब आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है, इसे चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर किसी कारण बस उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसे तुरंत सॉर्टआउट करा के उनका जो हक है उन्हें दिलाते हैं। सिनी वर्कर्स जो काम करते हैं, छोटा पर्दा होता है, बड़ा पर्दा होता है, तो किस तरीके का काम होता है छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर, और कितना इन्हें उम्मीदें होती हैं पेमेंट की? देखिए पेमेंट की उम्मीदें तो कैसी है कि जो छोटा पर्दा है, छोटे पर्दे पर जैसे इस समय देखिए अगर एकदम छोटे पर जाएं तो इस समय सबसे अच्छा क्रेज चल रहा है वेब सीरीज का, तो वेब सीरीज एक छोटी वेब सीरीज बनाने में आदमी को 5 से 7 लाख रुपए एक्सपेंस होते हैं, तो उसमें अगर समझिए 10-20-50 लोगों की यूनिट है तो डेली वर्कर्स पर डेली वेजेस पे आते हैं और उन्हें डे टू डे सेम डे पेमेंट कर दिया जाता है, और जो समझिए बड़ा सेट है या समझिए किसी मूवी का सेट है तो 6 महीने साल भर तक सेट पे काम चलता है, उस पर भी यूनिट के आधार से रहते हैं। समझे उसमें कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई मेकअप का आदमी है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई जनरेटर वाला है, समझिए कोई कैंटीन से रिलेटेड है, या समझिए वहां का गाड़ी क्यों ना है, तो अगर वो यूनियन में जुड़ा हुआ है तो भी, और अगर हमारे यूनियन में नहीं जुड़ा हुआ और किसी कारण वो समझे संपर्क करता है तो उनके जो बीच की दूरियां है वो हम खत्म करके उनका जो हक है उन्हें दिलाते हैं। तो खास मुलाकात में आज फिल्मी दुनिया की बातें चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप पांडे जी, जो कि ऑल इंडिया सिनी वर्कर्स एसोसिएशन के महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं। कई अहम बातें चल रही हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई संदीप पांडे जी से। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार कोरोना वायरस लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे में फिल्मी दुनिया पर क्या फर्क पड़ा है और आप सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के, वर्कर्स पे क्या फर्क पड़ा है? देखिए काफी बुरा हाल है, जो पूरे फिल्म सिटी में हर यूनिट में 150 से 200 वर्कर्स काम करते थे, तो महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हर सेट पे 30 से 40 वर्कर काम कर रहे हैं, तो एक काफी बड़ा वर्ग इस समय कोरोना के वजह से अपने काम से हाथ धो बैठा है, और जो समझिए मजदूर इस समय है तो वो अगर फिल्म सिटी के सेट पे हैं तो हमारे यूनियन द्वारा यही चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है कि उन्हें हाइजीनिक फूड मिल रहे हैं कि नहीं, उन्हें मेडिकल की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है कि नहीं, उन्हें जांच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइंस में ऐसी शर्तें रखी हैं कि हर सेट पर कि एम्बुलेंस कंपलसरी है, डॉक्टर कंपलसरी है, नर्सेस कंपलसरी है, और उन्हें वहां पर जो ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी सेट की तरफ से दिया जाए, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं हमारे यूनियन के जो सदस्य है और जो पदाधिकारी है वहां उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। और रही बात उनकी जो पेमेंट में कटौतियां होती हैं, इन सब चीजों को लेकर हमने वहां के एमडी मैडम से भी मिले और हमने ये विषय को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी के नेतृत्व में विधान भवन में भी ये विषय को लेने की हमने चर्चा की, लेकिन कोरोना की वजह से आगे पीछे हो रहा है, लेकिन समझिए आने वाले 15 दिन के अंदर में जो भी चीजें हैं हम उसे मीटिंग लगाएंगे और जो उनके हक की बात है, जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, और हमारी यूनियन इसके पहले भी चाहे राशन की बात हो, चाहे उनके रहने की सुविधा हो, चाहे उन्हें घर जाने की सुविधा हो, इन सब चीजों में हम फिल्म सिटी में उतर कर काम किए जमीनी स्तर पर और हम आगे भी काम करते रहेंगे। तो खास मुलाकात में आज फिल्मी दुनिया की बातें चल रही है संदीप पांडे जी के साथ, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया सिनी वर्कर्स एसोसिएशन के। कई अहम मुद्दे, कई अहम बातें सिनी वर्कर्स की आज
उनसे कर रहे हैं, जान रहे हैं किस तरह फिल्मी दुनिया में काम चलता है और लोगों के जो पेमेंट रुक जाते हैं दिहाड़ी पर, जो लोग काम करते हैं वो किस तरह मिल सकते हैं उनके माध्यम से। सर, चलते चलते कोरोना वायरस संकट की घड़ी चल रही थी और पिछले 4-5 महीनों से लॉकडाउन था, भले ही आज चौथे चरण में कई रियायतें सरकार द्वारा दी गई हैं, ऐसे में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, मैं लोगों से यही कहूंगा कि ये जो कोरोना है ये बहुत ही भयंकर बीमारी है और जिस तरह से मुंबई में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आप अपने मजबूरी में आप अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन आप साथ ही साथ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और अगर आपको जरूरी काम ना हो तो आप घर से ना निकलिए, आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ये मेरी आपसे अपील है और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक यही बात पहुँचाना चाहता हूँ। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं संदीप पांडे जी, फिल्मी दुनिया की उनसे चर्चा कर रहे थे वर्कर्स किस तरह काम करते हैं और फिल्मी दुनिया में किस तरह काम होता है। तो खास मुलाकात में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर किसी शख्सियत के साथ अन्य मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।